दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जीमेल पर अपने गैलरी के फोटोज को सेव कर सकते हो, यानी आप अपने गैलरी के फोटोज को जिंदगी भर के लिए सुरक्षित कैसे रख सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे गैलरी से हमारे फोटोज गलती से डिलीट हो जाते हैं, हम उनको रिकवर नहीं कर पाते हैं। अगर आप जीमेल पर अपनी गैलरी के फोटोज को सेव करते हो, आपके फोटोज जिंदगी भर के लिए सेव हो जाएंगे, कभी भी डिलीट नहीं होंगे। दोस्तों काफी सारे लोग अपने फोटोज को लैपटॉप में रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं, या हार्ड डिस्क में रखते हैं, पेनड्राइव में रखते हैं, और दोस्तों जब ये डिवाइसेस खराब हो जाते हैं तो उनका फोटो लॉस हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है, वो अपने फोटोज को रिकवर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अगर आप जीमेल पर अपने फोटोज को सेव करते हो, मान लो कि आपका फोन खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, सिंपली आपको नए फोन में अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना है, आपके सभी फोटोज दोबारा से वापस आ जाएंगे, कभी भी आपके फोटोज डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने जीमेल आईडी में अपने गैलरी के फोटोज को जिंदगी भर के लिए सेव कर सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आप जीमेल में फोटो को कैसे सेव कर सकते हो, आप यहां पर देख सकते हो, मैंने आपको सेव करके भी दिखाया था। दोस्तों इसका प्रोसेस था कि आप अपने ही जीमेल आईडी से अपने ही आईडी पर मेल कर सकते हो और फोटो को अटैचमेंट में ऐड करना होगा, मेल में आपके फोटो सेव हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो तरीका है ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जीमेल में हमें फोटो सेव करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, फोटो को अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। जीमेल में कैसे फोटो अपलोड करना है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके लिए आपको फोटोज एप्लीकेशन को यूज करना होगा, आपके फोन में फोटोज एप्लीकेशन होगा, ठीक है। फोटोज एप्लीकेशन गूगल का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, चाहे आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो, दोस्तों आपके फोन में फोटोज एप्लीकेशन जरूर होगा, ठीक है। आपको इसको ओपन करना है, आपको फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके बाद आपको ऊपर राइट साइड में कोने में एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, आपको इस पर टैप करना है, अपने जीमेल आईडी को सेलेक्ट करना है, आपको उस जीमेल आईडी को सेलेक्ट करना है जिसको आप हमेशा यूज करते हो, ठीक है, ओके। अब हम गैलरी को ओपन करते हैं। दोस्तों अब आप यहां पर हमारे गैलरी में फोटोज देख सकते हो, ठीक है, ये काफी सारे फोटोज हैं, हम इन्हीं फोटोज को फोटोज एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। दोस्तों जब आप फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करोगे, जब आप फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आपके गैलरी के सारे फोटोज आपको यहां पर शो हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो हमारे गैलरी के सभी फोटोज यहां पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको इन फोटोज को लाइफ टाइम तक के लिए सेव कर रहे हैं, जिंदगी भर के लिए सुरक्षित रखना है, ठीक है। सिंपली आपको फोटो पर टैप कर रहे हैं, इस तरह फोटो पर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप फोटो पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा क्लाउड का, आपको एक क्लाउड का ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो स्टार के लेफ्ट साइड में हमें क्लाउड का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। आपका जो फोटो है वो अपलोड होने लगेगा, आप देख सकते हो अपलोडिंग हो रहा है, ठीक है, अपलोड हो भी गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप एक एक करके अपने फोटोज को अपलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब आप यहां पर पहले वाले फोटो के ऊपर देख सकते हो क्लाउड का आइकन बन चुका है, इसका मतलब यह है कि ये फोटो सेव हो चुका है, अपलोड हो चुका है, ठीक है, यानी जीमेल में ये फोटो सेव हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप एक एक करके अपने फोटोज को जीमेल में सेव कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो फोटोज हैं वो जीमेल में सेव होते हैं, ना कि फोटो एप्लीकेशन में। जो भी प्रोफाइल, जो भी अकाउंट आप यहां पर लॉगिन करोगे दोस्तों, उसी में आपका फोटो सेव होगा। आप एक जीमेल अकाउंट में 15 GB तक का फोटो डेटा फ्री में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो दो फोटो अपलोड हो चुका, आप एक एक करके इस तरह फोटो अपलोड कर सकते हो। अगर आप एक साथ में फोटो अपलोड करना चाहते हो सेलेक्ट करके, तो आपको इस तरह सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, इस तरह अपने फोटो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप, आपको बैकअप पर क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों एक साथ आपके फोटोज अपलोड हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, आप देख सकते हो 12 फोटो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह भी आप फोटो को सेलेक्ट करके जीमेल में सेव कर सकते हो। अब आप यहां पर देख सकते हो एक एक करके हमारे सारे फोटोज
अपलोड हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं, ठीक है। जितना फास्ट आपका इंटरनेट रहेगा, जितना फास्ट आपका इंटरनेट चलेगा, उतनी जल्दी फोटोज अपलोड होंगे, उतना जल्दी जीमेल पर सेव होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 फोटो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको अपने फोटोज को जीमेल पर अपलोड कर देना है, सेव कर देना है। दोस्तों जब ये फोटोज यहां पर सेव हो जाएंगे, हम गैलरी से इन फोटोज को अगर डिलीट कर देते हैं, दोस्तों ये फोटो यहां पर लाइफ टाइम तक के लिए यानी जिंदगी भर के लिए सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो अपलोड होने के बाद हम इन फोटोज को गैलरी से डिलीट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो लगभग सारे फोटोज अपलोड होने वाले हैं, सिर्फ एक फोटो और बचा है अपलोड होने के लिए। दोस्तों हमारे सारे फोटोज अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो सभी फोटो के ऊपर क्लाउड का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। क्लाउड का ऑप्शन बना है तो इसका मतलब फोटो जीमेल पर सेव हो चुका है, जीमेल में अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब हम गैलरी से इन फोटोज को डिलीट करेंगे। तो दोस्तों हमने गैलरी से इन फोटोज को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो गैलरी से फोटो को डिलीट करने के बाद भी फोटोज एप्लीकेशन में हमारे फोटोज सेव हैं। इस तरह गाइज आप अपने फोटोज को जीमेल पर जिंदगी भर के लिए सेव कर सकते हो। मान लो कि आपका फोन खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, बस आपको दूसरे नए फोन में फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करना है, अपने जीमेल अकाउंट को लॉग इन करना है जिसमें आपने अपने फोटोज को अपलोड किया, सेव किया, आपके सारे के सारे फोटोज दोबारा से वापस आ जाएंगे, ठीक है। आपको मतलब जीमेल पता होना चाहिए, जिस जीमेल अकाउंट में आपने फोटोज को सेव कर रखा है, अपलोड कर रखा है, आपको उसका यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए। दोस्तों आपके फोटोज कभी भी डिलीट नहीं होंगे, कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो कि हमें गैलरी में दोबारा से इन फोटोज को लाना है, ठीक है। सिंपली आपको फोटो पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर टैप करना है, आपको यहां पर मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन, आपको डाउनलोड पर टैप करना है, फोटो डाउनलोड होकर गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो फोटो डाउनलोड हो चुका है। अब हम गैलरी को ओपन करते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हो गैलरी में हमारा फोटो दोबारा से वापस आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फोटोज को जिंदगी भर के लिए सुरक्षित रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके फोटोज कभी भी डिलीट ना हो, तो दोस्तों आप फोटोज एप्लीकेशन में जीमेल अकाउंट पर अपने फोटोज को सेव कर लो, ठीक है। और कहीं अच्छे जगह किसी डायरी में, किसी कॉपी में अपने जीमेल का पासवर्ड, यूजर नेम लिख लो, ठीक है। दोस्तों कभी भी आपका फोटो लॉस नहीं होगा, कभी भी आपका फोटो डिलीट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।